हल्द्वानी के बनफूलपुरा में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के आने के बाद का दृश्य। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, कह रहे थे उनकी दुआओं का असर हुआ। कपड़े वाली नायलॉन की रस्सी। लेकिन इन्हीं गलियों में रहने वाली जाहिदा फिक्रमंद हैं कि अगर उन्हें हटाया गया तो बच्चों को लेकर कहां जाएंगी। 40 साल पहले वो इसी घर में बहू बनकर आईं, यहीं से सास ससुर को आखिरी विदाई दी और यहीं 20 साल पहले पति की मौत के बाद अकेले सब्जी की दुकान के सहारे बच्चों को बड़ा किया। बरसात में चूने वाली टिन की छत के नीचे जीवन काट देने वाली जाहिदा को अब घर छिनने का डर है। परेशानी परेशानी है, और ऊपर से जो घर का वो हो रहा उखड़ने का तो कहाँ जाएंगे हम। परेशान है, जिया तो जाते ही है, कभी मारा भी नहीं जाता। हमें तो ये है, हम ना यहीं पे हमें मनाइया में पड़े रहें तो बस जैसे भी पड़े हैं। वहाँ आसपास इकट्ठा लोग जाहिदा के हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे और नापतोल रहे थे कि किस शब्द को बाहरी दुनिया में किस नज़रिए से देखा जाएगा और क्या इसका केस की अगली सुनवाई पर या फिर उनके भविष्य पर गलत असर तो नहीं पड़ेगा। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। नजदीक ही इंदिरा नगर इलाके में रहने वाली तिलका देवी कश्यप के परिवार का खर्च ठेले पर समोसा बताशे बेचकर चलता है। 5 साल पहले एक्सीडेंट के कारण पति अब काम नहीं कर पाते। बड़ा लड़का बीमार रहता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कभी कभी भूखों तक रहने की नौबत आ जाती है। या तो हमें जगह दें, वो कहीं हम जगह छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो पूरी पब्लिक को गोली मार दें, जगह खुद ही खाली हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। हाउ टेस्ट भी जमा कराए मैंने, सब कुछ कराया। अब तुम सरकार हो, किताबें बनवाई तुमने मकानों की, अब मने कर रहे हो उसको, और पहले से पैसा खा रहे हो तुम गरीबों के। क्यों खा रहे हो? क्यों हाउ टेस्ट ले रहे हो? क्यों पानी को टैक्स ले रहे हो? क्यों बत्ती को टैक्स ले रहे हो? हैं, अब हम तो शुरू से ही बीजेपी को डारा, पहले देते थे कांग्रेस को, इतनी सुविधा आती है हमें तो कभी एक रुपया भी नहीं मिला, कांग्रेस में भी ना मिला ना बीजेपी में मिल रहा है। अब 2 महीने से हमें राशन मिल जाता है वर्ष। बातचीत के बाद वो एक पोटली में चूर चूर अवस्था में रखे ये कटे फटे दशकों पुराने सरकारी बिल ले आई और बताया कि वो अब इन्हें करीने से मोड़ कर रखेंगी कि कब सरकारी अधिकारियों के सामने इनकी जरूरत न पड़ जाए। आखिर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ तंग गलियां आगे रहने वाले 61 साल के वारिस शाह खान के पिता 1935 में पेशावर से हल्द्वानी आए और ये मकान खरीदा। संभाल कर रखे गए इन पुराने दस्तावेजों में इस जगह का इतिहास दर्ज है। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय जो पाकिस्तान लोग चले गए थे, ये मकान उनका था, और ये मकान है, ये मोहल्ले में और भी बहुत सारे मकान हैं, वो सब उन्हीं के थे जो पाकिस्तान चले गए थे। ये कस्टोडियन के कब्ज़े में आ गए थे, उन्होंने बाद में जब ऑक्शन किया तो 1956 में ये ऑक्शन हुआ था, राजा सिंह ने लिया था। राजा सिंह से फिर इकबाल ने लिया, इकबाल से फिर मेरे फादर ने ख़रीदा। मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों, दुकानों से भरी इन गलियों में आपको कई लोग मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि उनके पिता, दादा, परदादा यहीं पैदा हुए और यहीं उनकी मौत हुई। एक शख्स के मुताबिक जब दिसंबर में हाईकोर्ट ने कथित अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया तब पहली बार लोगों में डर बढ़ा कि उनकी छत सचमुच में छिन सकती है और लोग सड़कों पर निकले। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो बहस है कि ये ज़मीन किसकी है या फिर कितने सालों से लोग रह रहे हैं, वो 2008 में शुरू हुई जब ये पुल टूट गया। नाउ ये कैसे टूटा या फिर किस तरह की ये तोड़फोड़ हुई ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इसके लिए जो अवैध खनन है उसको भी जिम्मेदार ठहराया गया और कहा जाता है कि उस वो जो डैमेज हुआ या फिर टूटा उससे परेशान खुद को RTI एक्टिविस्ट बताने वाले एक शख्स वो 2013 में हाईकोर्ट पहुंचे और वहां से अदालती कार्रवाई शुरू हुई और कथित अवैध खनन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया रेल पटरी के नज़दीक कथित अतिक्रमित जमीन पर रह रहे लोगों को। या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रभावित को कुछ कहना है। ये वही RTI एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी हैं जिन्होंने 2013 में हाईकोर्ट में PIL डाली थी
जिसमें पुल टूटने के दोषियों पर कार्रवाई की बात की गई थी। रविशंकर जोशी माइक पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर कुछ नहीं कहना चाहते। सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चाइना से लगती हुई सीमा के पास सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, लेकिन एंक्रोचमेंट के कारण भविष्य में अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो इससे भारतीय सेना की जो भी गतिविधियाँ हैं, मेरा मानना है कि प्रभावित होंगी, और उसके संग संग व्यापारिक गतिविधियाँ भी, पूरे कुमाऊँ का विकास इस एंक्रोचमेंट के कारण रुका हुआ, ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में PIL में गया था। कोई भी देखिए, एंक्रोचमेंट अगर अपराध है तो अपराध है, इसको हटाने के लिए प्रशासन को, कानून को, सरकार को, कोर्टों को सख्त होना पड़ेगा। अगर ठीक है उनका विस्थापन हो वो अलग विषय है, लेकिन कहीं पर भी बैठ जाना और उसकी वजह से आपके पूरे और जो इशू होते हैं और जो प्रभावित हो रहे हैं और नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके लिए एनक्रोचमेंट को हटाना जरूरी है। लेकिन स्थानीय लोग सहमत नहीं कि उन्होंने जमीन का अतिक्रमण किया, और वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी की बात करते हैं। रेलवे ये साबित ही नहीं कर पा रही है कि ये जमीन हमारी है, और कितनी जमीन हमारी है, वो नंबरात जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है वो कहाँ हैं। बल्कि वो तो, और यही वजह है कि पहले उन्होंने 29 एकड़ जमीन क्लेम की, उसके बाद फिर 59 एकड़ ज़मीन क्लेम की, अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते 83 एकड़ ज़मीन क्लेम करने लगे हैं वो। अब एक नई पॉलिसी आई कि अब पट्टों का एक्सटेंशन नहीं होगा, जो नजूर लैंड है उसकी पट्टों का एक्सटेंशन नहीं होगा, बल्कि वो फ्री होल्ड होंगे, मालिकाना हक दिया जाएगा। तो ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पट्टे थे या जिनके पास पट्टे नहीं थे, जो उस नजूर लैंड पर नाजायज़ कब्जेदार कहलाते थे, तो उस पॉलिसी के तहत उन्होंने अप्लाई किया। तो आपने कैसे उनको पट्टे दिए, आपने उनसे टैक्स, हाउस टैक्स कैसे ले लिया, आपने उनके नाम फ्री होल्ड कैसे कर दी। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है। हल्द्वानी लैंड इंक्रोचमेंट का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में रेलवे अपना पक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, रेलवे उसका पूर्ण रूप से पालन करेगी। इस कूड़े के पहाड़ के धुएं में यहाँ रह रहे कई लोग बुलडोजर के डर और सुप्रीम कोर्ट की रोक से उभरी उम्मीद के बीच झूल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे मीडिया के एक हिस्से में उन्हें लैंड जिहादी, रोहिंग्या, आतंकवादी बताया जा रहा है। अतीत के तजुर्बे और राजनीतिक उतार चढ़ाव देख चुके तंग गलियों में रहने वाले यहाँ के लोग भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। विनीत खरे, BBC हल्द्वानी।